देखो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हमारी सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 8, चैप्टर 4, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्लास 12, बायोलॉजी। द क्वेश्चन इज गिव डिफरेंस बिटवीन गिव डिफरेंस बिटवीन कॉपर रिलीजिंग कॉपर रिलीजिंग आईओडी एंड हॉर्मोन रिलीजिंग आईओडी। सो इन दोनों में डिफरेंस बताना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, हम इसको ऐसे ही अटेम्प्ट करेंगे जैसे 12th क्लास में ये पूछ लिया गया हो। अब क्वेश्चन ध्यान से देखो, इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था एक्सप्लेन बैरियर मेथड। अब आप कहोगे बैरियर मेथड एक्सप्लेन करने के लिए तो क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन तो था गिव डिफरेंस बिटवीन कॉन्डम्स एंड सर्वाइकल कैप वॉल डायफ्राम। सो वो क्वेश्चन ऐसे ही था। अब आपसे क्वेश्चन कह दे, इससे पहले वाला क्वेश्चन था एक्सप्लेन नेचुरल मेथड्स, उस क्वेश्चन को बदल के ऐसे भी कहा जा सकता था एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, उन तीनों टर्म्स को एक्सप्लेन करने को कह देता, तो वो नेचुरल मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है, बात एक ही है। पिछले वाले में या तो बैरियर मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए कह देता या इन दोनों का डिफरेंस पूछ लिया। अब इस वाले में इंट्रा यूट्राइन डिवाइसिस को एक्सप्लेन करने के लिए कह देता कि एक्सप्लेन इंट्रा यूटेराइन डिवाइसिस, या फिर ऐसे कह दे कि दो ही तो टाइप है, ए और बी कर लीजिए आप, दो ही तो टाइप है, कॉपर रिलीजिंग और हॉर्मोन रिलीजिंग, तो इनका डिफरेंस कर लिया। या सिर्फ कॉपर रिलीजिंग आईओडी को एक्सप्लेन करने के लिए कह दे, या सिर्फ हॉर्मोन रिलीजिंग आईओडी को एक्सप्लेन करने के लिए कह दे, है ना, तो दोनों का सेपरेट भी हो सकता है, इकट्ठा भी हो सकता है, और आईओडी को एक्सप्लेन करने के लिए भी हो सकता है, और दोनों का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। सो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से फ्रेम हो सकता है। सो हम आंसर करते हैं, इधर हम कॉपर रिलीजिंग करते हैं, इधर हॉर्मोन रिलीजिंग करते हैं। पहले लाइन खींच लेते हैं, ये लाइन सीधी ही है, और अब एक तरफ लिख लेते हैं कॉपर रिलीजिंग, कॉपर रिलीजिंग आईओडी, और इधर हॉर्मोन रिलीजिंग आईओडी। सो फर्स्ट पॉइंट विल बी इट रिलीजेस कॉपर आयन, क्योंकि इसी की वजह से है, इट रिलीजेस कॉपर आयन्स Cu2 पॉजिटिव। तो आप खुद सोच के देखो कहाँ एक्ट करेंगे, आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा लास्ट चैप्टर में, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कैपेसिटेशन। तो कैपेसिटेशन एक प्रोसेस है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होती है, और स्पम्स में चेंजेस होते हैं। स्पम्स में दो चेंजेस होते हैं, एक्रोसोम से कोलेस्ट्रॉल रिमूव हो जाता है ताकि थिन हो जाए वो मेम्ब्रेन एक्रोसोम की, ताकि पेनिट्रेट कर सके ओवम में। दूसरा कॉपर आयंस, यहां तो कॉपर आयंस है, वहां कैल्शियम आयंस थे, एक्चुअल में कैल्शियम आयंस एंटर करते हैं ताकि विप्लैश मूवमेंट आ सके, रैपिड विप्लैश मूवमेंट ऑफ स्पर्म टेल ऑफ टेल पार्ट, ये आ सके। वहां पे कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन एंटर करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, उनकी जगह ये कॉपर 2 पॉजिटिव आयन दे दिए जाते हैं, तो ये रैपिड मूवमेंट को कराने की बजाय सप्रेस कर देते हैं, मीन्स कराते ही नहीं है, तो सप्रेस हो गई उसकी मोटिलिटी। सो ये इसका फंक्शन है। तो क्या है इसका काम, इट सप्रेसेस स्पर्म मोटिलिटी, इट सप्रेस इतना ही बहुत है, इट सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी। एक और काम है इसका, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी खत्म कर देता है, इट सप्रेस फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स।
एग्जाम्पल्स फोर्थ पॉइंट कर लेते हैं चलो इसको, एग्जाम्पल्स कॉपर टी, कॉपर सेवन मल्टीलोड 375। सो ये तीन इसके एग्जाम्पल हैं, एनसीईआरटी में दिए हुए एग्जाम्पल्स हैं। एक चीज ध्यान दो कि कॉपर रिलीजिंग आयोडीन मेल पार्ट पर यानी स्पर्म्स पर एक्शन कर रही है, जो मेल पार्ट है यानी स्पर्म्स उन पर एक्ट कर रही है, और हार्मोन रिलीजिंग आयोडीन जो है ये फीमेल पार्ट पर एक्ट करेगी। जैसे कि पहला पॉइंट करते हैं हम, इट रिलीजेस हार्मोन्स, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीन है तो इट रिलीजेस हार्मोन्स। सेकेंड पॉइंट, इट मेक्स सर्विक्स, होस्टाइल फॉर स्पर्म्स, मतलब सर्विक्स जो स्मूथ रास्ता है ऐसे, इसको ऐसे ना करके उबड़ खाबड़ बना देगी ऐसे, ताकि स्पर्म यहां से यहां जो अपनी एनर्जी को कंज्यूम करता और यहां पहुंचता, वो स्पर्म यहां से यहीं पहुंचे, क्योंकि उसने यहां से यहां ट्रेवल कर लिया और अपनी एनर्जी को लूज कर दिया इतने ही टाइम पे। समझ पा रहे हो आप? जब रास्ता उबड़ खाबड़ होगा तो स्पर्म को वहां तक पहुंचने में अपनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी, जबकि उतनी ही एनर्जी वेस्ट करके स्पर्म उससे डबल रास्ते को कवर कर लेता सर्विक्स में। तो सर्विक्स डिस्टर्ब हो गई, सर्विक्स की स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गई, उबड़ खाबड़ हो गई, स्मूथ नहीं है अब, तो उसको एनर्जी आधे रास्ते में ही उतनी खर्च करनी पड़ जाएगी। थर्ड, अगर पहुंच भी गया स्पर्म, अगर पहुंच भी गए एआई जंक्शन तक, तो वहां फर्टिलाइजेशन होगा, उसको तो रोका नहीं जा सकता। फर्टिलाइजेशन होने के बाद इम्प्लांटेशन को रोका जा सकता है, सो इम्प्लांटेशन पे रोके गए। इट मेक्स यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। इट मेक्स यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। फॉर एग्जाम्पल फोर्थ पॉइंट, प्रोजेस्टासर्ट LNG 20। अब ये क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाए, एक्सप्लेन कॉपर रिलीजिंग आईयूडी विद एग्जांपल्स 3 मार्क्स का, तो भी डन। एक्सप्लेन हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी 3 मार्क्स का विद एग्जांपल्स, तो भी डन। गिव डिफरेंस बिटवीन कॉपर रिलीजिंग एंड हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, तो भी डन। एक्सप्लेन इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस 3 मार्क्स का, ए और बी, तो भी डन। I hope this is very much clear to you now.